बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ताकि आप ऐसे ही मज़े मज़े के पकवान पकाते और खाते रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की फुलकियाँ या पकौड़ियाँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो उसके लिए मैंने एक कप बेसन शामिल कर दिया है बाउल के अंदर, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी साथ शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। उसके बाद मैंने शामिल किया है अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने शामिल किया है बेकिंग सोडा, और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये वाली फुलकियाँ बहुत ही क्रिस्पी, पापड़ की तरह क्रिस्पी बनती हैं, और जब आप बनाएंगे तो यकीन माने दही में डालने का इंतज़ार ही नहीं करेंगे, वैसे ही खाने को दिल करेगा, क्योंकि ये निमकों से भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनती हैं। तो बेसन में हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी शामिल कर दिया है, और इसका हमने एक पेस्ट बना लिया है। कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अब हम इस तरह का एक चम्मच लेंगे और उसकी मदद से गरम ऑयल के अंदर फुलकियाँ बना लेंगे। तो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसी को फॉलो करते हुए आप बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और ये फुलकियाँ बनाने के बाद इनको आप पूरा एक मंथ सेव भी कर सकते हैं। तो रमज़ान के लिए अभी से तैयारी कर लें। ऑयल को गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है, और थोड़ी देर के बाद इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, पकौड़ियों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही थोड़ा ब्राउन कलर आएगा, इनको हम डिश आउट कर लेंगे। तो फुलकियों को हम डिश आउट कर रहे हैं, बाकी भी सारी ऐसे ही इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने सारी पकौड़ियाँ रेडी कर ली हैं। अब मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाऊँगी। तो आपने देख लिया, ये बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बनी है। आप इनको एक महीने के लिए एयर टाइट जार में डाल के सेव कर सकते हैं। इनका बिल्कुल भी टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, और ये ऐसे ही कड़क रहेंगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।